अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लैपटॉप लेकर आया हूँ जो है डेल इंस्पिरॉन 15 5510 कोर i5 11 जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB SSD, विंडो 10। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो कोर i5 11 जनरेशन है। इंस्टॉल्ड रैम की बात करें तो 8 GB है। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 15.6 इंचज है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ 10 है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 512 GB SSD है। टाइप की बात करें तो SSD है। प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम इसमें प्रोसेसर की बात करें तो कोर i5 11 जनरेशन है। प्रोसेसर मॉडल की बात करें तो इंटेल कोर i5 है। प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो अवेलेबल नहीं है। प्रोसेसर जनरेशन की बात करें तो 11 जनरेशन है। प्रोसेसर थ्रेड्स की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। नंबर ऑफ कोर्स की बात करें तो अवेलेबल नहीं है। L2 कैच की बात करें तो अवेलेबल है। L3 कैच की बात करें तो 8 MB है। बस स्पीड की बात करें तो वो अवेलेबल है। चिपसेट की बात करें तो वो इंटेल है। नंबर ऑफ मेमोरी स्लॉट की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर इसमें इंस्टॉल रैम की बात करें तो वो 8 GB है। अगर मैक्सिमम मेमोरी की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर इसमें टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो DDR4 3200 MHz है। अगर इसमें स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 512 GB SSD है। अगर इसमें टाइप की बात करें तो वो SSD है। कार्ड रीडर की बात करें तो वो अवेलेबल है। अगर हम इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक की बात करें तो अवेलेबल नहीं है। ग्राफिक प्रोसेसर की बात करें तो वो इंटेल IRIS-XE ग्राफिक्स में है। मैक्सिमम स्फीयर ग्राफिक मेमोरी की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। गेमिंग मशीन की बात करें तो वो नॉट अवेलेबल है। बैकलाइट की बात करें तो वो LED फॉर्म में है। अगर हम इसमें स्क्रीन सर्फेस की बात करें तो 15.6 इंचज FHD है। अगर हम इसकी एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो 16:9 है। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 15.6 इंचज है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 1920x1080 है। टच स्क्रीन की बात करें तो अवेलेबल नहीं है। अगर कलर की बात करें तो प्लैटिनम सिल्वर कलर है। डायमेंशन की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। वेट की बात करें तो 1.63 kg है। अगर इसमें फिंगरप्रिंट रीडर की बात करें तो वो अवेलेबल है। न्यूमेरिक कीबोर्ड की बात करें तो वो भी अवेलेबल है। अगर इसमें ब्लैक लिट कीबोर्ड की बात करें तो वो भी अवेलेबल है। ब्लूटूथ की बात करें तो वो अवेलेबल है। LAN की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर इसमें वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी की बात करें तो वो अवेलेबल है। इसमें माइक्रोफोन इनपुट USB 2.0 और USB 3.0 अवेलेबल है। इसमें USB पोर्ट टोटल जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें हेडफोन आउटपुट की तो उसमें अवेलेबल है। HDMI भी अवेलेबल है। नंबर ऑफ आउटपुट अभी 1 है। HDMI वर्जन 1.4 है। बैटरी लाइफ 54 Wh है। बैटरी टाइप जो है वो अवेलेबल नहीं है। नंबर ऑफ सेल 4 सेल्स है। कैमरे की बात करें तो वो अवेलेबल है। नंबर ऑफ इफेक्टिव पिक्सल जो है वो HD 1280x720 @3 FPS। कैमरा ड्यूल एरे माइक्रोफोन्स में है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है। अगर हम लिंक्स की बात करें तो ऑफिशियल पेयर जो है वो अवेलेबल है। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें तो 2 ईयर्स लोकल वारंटी है इसकी। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 1,99,999 रुपये है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए नए लैपटॉप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।